नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम उमरा रेलवे स्टेशन के एम गेट के पास है, जहां पे एस्केलेटर को लेकर यहां पे एमआईएम के जो यूथ अध्यक्ष है सैफ पठान, उन्होंने यहां पे भूख हड़ताल की है। इस बारे में उनसे जानते हैं कि वो भूख हड़ताल करने की क्या वजह है और उनकी इस एस्केलेटर को लेकर क्या मांग है। जो यहाँ पर सौतेला व्यवहार रेलवे की तरफ से किया जा रहा है हमारे मुमरा शहर के साथ, उसके खिलाफ हम लोगों ने भूख हड़ताल की है यहाँ पर। क्या मांग है? हमारी मांगनी है कि देखिए, हम लोग 2016 से हम मांगनी कर रहे हैं रेलवे प्रशासन से कि मुमरा शहर में काफ़ी तादाद भरा शहर है, यहाँ 13 लाख के करीब लोग रहते हैं, उसमें से 5 से 6 लाख के करीब लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं आपके, उसमें कितने लाख तो सीनियर्स है जिनको आप देखो ब्रिजेस चढ़ने में तकलीफें होती है। तो उसके लिए हम लोग मांगनी कर रहे थे कि कांजू मार्ग में 2016 में लग गया था, नाहूर में लग गया था, तो आप मुमरा शहर को भी ऐसी एस्केलेटर प्रोवाइड करें। हमने उससे मांगनी की थी क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे, काफ़ी सीनियर्स यानी पैरों की तकलीफ की वजह से ब्रिजेस नहीं चढ़ सकते थे, तो ट्रैक क्रॉसिंग करने में उनके एक्सीडेंट्स होते थे, तो हमने मांगनी करी थी एस्केलेटर्स लगे। उसके अहवाल में हम लोग को 2018 में जा करके रेलवे प्रशासन ने लेटर दिया था कि यहाँ पर एस्केलेटर्स 4 एस्केलेटर्स पास किए गए मुमरा के लिए। वो 8वें महीने में हमको लेटर दिया गया था कि जल्द से जल्द यहाँ काम शुरू होगा। उसके बाद 2018 के 11वें महीने में यहाँ के जो एमपी श्रीकांत शिंदे साहब, उन्होंने ओपनिंग की कलवा में और दीवा में, अम्बरनाथ और कल्याण में, और मुमरा को इग्नोर कर दिया। तो ये इस तरीके का यानी भेदभाव यानी हमारे साथ किया गया। एस्केलेटर जो हमारे पास थे वो हमको नहीं दे करके कलवा और दीवा में लगाए गए, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने फिर लेटरबाजी की। उनको हमने बताया तो वो बस हमें टाले जा रहे कि अब होगा देखेंगे, तो उसके खिलाफ हमने भूख हड़ताल अभी छेड़ी है कि हमारे मुमरा शहर के सीनियरों को भी इंसाफ मिले, यहाँ के भी ये लोगों को इंसाफ मिले और हमारे शहर में भी एस्केलेटर्स लगाए जाएँ। उसके बावजूद आप देखेंगे तो कांजूरमार्ग हो गए, वहाँ पर काम भी शुरू कर दिया गया, वहाँ पर यानी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी रेलवे की तरफ से दी जा रही है। आप अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी एक मेडिकल स्टोर खोला गया था रेलवे की तरफ से प्रशासन, वो भी बंद कर दिया गया है। यानी हर तरीके से हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, तो उसके खिलाफ अभी हमने फिलहाल ये जंग छेड़ी है। अभी तक आपने क्या क्या कदम उठाया इसके लिए, एस्केलेटर के लिए? देखिए, अभी तक तो हम लोग का पत्र व्यवहार ही हो रहा था उन लोगों के साथ, और ये फरवरी में हम लोगों का धरना प्रदर्शन भी था, लेकिन आप लोगों को पता है कि कुछ वजह से मुझे यानी शहर से बाहर जाना पड़ा था, तो मैं था नहीं उस वक्त, वो रुक गया था। अभी हम लोगों ने भूख हड़ताल करी है, उनको लेटर दिए हमने। इस मामले को लेकर आपने यहाँ के जो स्थानीय से मुलाकात की? स्थानीय एमपी को हम लोगों ने लेटर दिया था पिछली बार, इस बार हम लोगों ने दिया नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों को इग्नोर कर ही रहे। अगर आपने कलवा में ओपनिंग की 11वें महीने में 2018 के, आपने दीवा में ओपनिंग की और वहाँ लग भी गए, तो आपने मुमरा क्यों छोड़ा? ये भी तो आपका क्षेत्र था, और सबसे ज़्यादा तादाद और बस हम लोग यहाँ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा है, यानी ये समाज के, इसके लिए इग्नोर किया गया, तो हमने इसके लिए उनको कांटेक्ट नहीं किया। देखिए, जनवरी के 2019 के ये साल के जनवरी महीने में उन लोगों से मैंने आईटीआई डाली, उसमें आप देखिए कि दीवा और कलवा से जो कार्ड सेलिंग है, टिकट सेलिंग है हमारी, वो डबल्स है। अगर उन लोगों की 1,20,000 हो रही, तो हमारी 2,20,000 सेलिंग है, उसके बावजूद भी वहाँ पर लग गए लेकिन हमारे शहर को नहीं लगाए गए। कब तक आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी? जब तक रेलवे प्रशासन हम लोगों को आश्वासन ने हम लोगों को काम शुरू करके चाहिए, जब तक यानी काम नहीं शुरू होगा जब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। बताओ आगे और भी बताओ, पढ़ लाऊ में मजा है। ये हम लोगों ने पहले दिए थे जनवरी के महीने में, उसके पहले देखिए, आप देखो मुझे लेटर आया था उन लोगों से 8वें महीने में रेलवे से। ये हमारे खासदार साहब जो कलवा और दीवा में ओपनिंग के बैनर लगाकर ओपनिंग कर रहे हैं।
क्या बोला मैं समझा? आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे किन लोगों का की संस्थाओं का आपको समर्थन मिला? देखिए हम लोगों के साथ भारी बहुजन समाज जो है हम लोगों का वंचित आघाड़ी उनका पूरा समर्थन, उनके अध्यक्ष बैठे हुए और भी संस्था आप देख सकते हो कि यानी जमात उलमा हिंद ने, जमात हिंद ने यानी मुमरा की और मीम उमरेकर हो गई है, अपना प्रयास फाउंडेशन हो गई है और यानी मौसा मुमरा मेमन जमात हो गई है और भी ऐसे काफ़ी यानी संस्था है जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। लगभग अभी तक 10 से 12 चार घंटे के अंदर ही हमें 10 से 12 संस्थाओं के समर्थन आ चुके और भी लोग अभी बोल रहे फ़ोन किए हमें कि ऑन द वे है, जल्दी आएंगे। इनके भूख हड़ताल के साथ में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, इस बारे में क्या बोला? हम देखिए लोगों से हस्ताक्षर भी ले रहे हैं, अगर हमारी ये मांगनी के बावजूद भी अगर कुछ ऐसा प्रशासन ने हमारे पे ध्यान नहीं दिया और कुछ जैसा आप जाते हो कि पॉलिटिकल गेम होता है शहर में, हमेशा पॉलिटिकल गेम के चलते ही यहाँ पर अभी ये रेलवे ने एस्केलेटर ने बिठाया, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ हम लोग ये सब सिग्नेचर लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बारे में हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो मुद्दा लेके चल रहे थे वो तकरीबन 2 साल से इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि कलवा में, दीवा में, इस तरह नाहौर स्टेशन पे भी एस्केलेटर लगाया लेकिन मुमरा में अभी तक एस्केलेटर नहीं लगाया जाए, जिसकी वजह से आने जाने वालों को, खास करके महिलाओं को, बूढ़ों को और मरीजों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि और स्टेशन के मुकाबले में यहाँ पे मुमरा से ज़्यादा आमदनी होती, ज़्यादा पैसा आता, उसके बावजूद भी मुमरा को इस सुविधा से वंचित किया गया है। ये थी हमारी रिपोर्ट, फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ में हाजिर हो गए। मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ।